गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये खरना के सुबह यानी कि छठ पूजा के दिन बुधवार के दिन का है। तो ये सुबह 5 बजे ही हम लोग उठ के और ये पूड़ी बना रहे हैं जिसको ठेकुआ कहा जाता है। तो मेरी दीरानी और मैं दोनों ही मिलकर ये बना रहे हैं क्योंकि एक दीरानी का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था तो वह नहीं उठ पाई थी। तो मैं और मेरी मझली दीरानी है वही बना रहे थे। तो ये देखिए पूड़ी हम लोग बना रहे हैं क्योंकि शाम को फिर छठ पूजा करने के लिए हमें जाना है। तो ये पूड़ी हम लोग सुबह 5 बजे से उठ के बनाते क्योंकि बहुत ज़्यादा पूड़ी बनाना पड़ता है। तकरीबन 10-10 किलो बन जाता है पूड़ी इस दिन। तो थोड़ा मैदा का भी बनता है, आटा का भी बनता है और ये चूल्हे पे ही बनता है। और ये नया चूल्हा रहता है, नहा खाई में अलग चूल्हा रहता है और खरना के दिन अलग चूल्हा रहता है। तो उसी पर ये बना रहे हैं हम लोग पूड़ी। मैदा का बना रहे हैं। तो ये तकरीबन 2 किलो मैदा लिया है, उसमें 1 पाव के करीब सूजी यानी कि रवा मिलाया है और फिर शक्कर मिलाया है और मोइन में डाल रहे हैं डाल रहा। तो ये मिला रहे हैं मैं और मेरी दीरानी, ये सब मिला के बनाएंगे क्योंकि सुबह हो चुका था बहुत ज़्यादा। तो अब ये हम लोग मैदा का पूड़ी बना रहे हैं तो वो भी बनता है। तो ज़्यादा नहीं इस बार बनाएंगे क्योंकि वो व्रत में रहो और उतना ही थकान हो जाता है और हर समय नहा के पूजा करना पड़ता है तो बीमार भी पड़ जाते हैं। और अब ये देखिए ये बना रहे हैं मैदा का भी पूड़ी। और ये अब शाम का समय, ये 3-4 बजे करीब डाला छठ का तैयार कर चुके थे और फिर मैं ये कपड़ा सिल रही थी क्योंकि हमें जाना था। और ये अब हम जा रहे हैं, शाम को 4 बजे के करीब हम लोग निकल रहे हैं, ये डाला लेकर जा रहे हैं, मेरे देवर हैं तो ये ट्रक पर जाएंगे। और ये अब हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए। और ये देखिए ट्रक पर हम सभी लोग बैठे हुए हैं। ट्रक पर बहुत लोग जाते हैं क्योंकि दूर पड़ता है नदी, तो सभी का ये डाला है, मतलब कि छठ पूजन का सभी का पूजा का डाला है। और ये सभी है लोग, हम लोग बैठे हुए भी हैं यहीं पर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये हम लोग ट्रक से उतर कर अब जा रहे हैं नदी की तरफ। ये पुल है, पुल से नीचे उतर रहे हैं हम लोग और ये नदी जा रहे हैं। तो ये बूढ़ी गंडक नदी है, वहीं जा रहे हैं। और ये देखिए रेत, कितनी रेत है। और ये जो हरे हरे पेड़ हैं ना, ये शकरकंदी के पौधे हैं, लेकिन क्या करें, छठ पर्व में सभी ने कुचल भी दिया, उन पौधों को बचा बचा के जा रहे थे। और ये देखिए कितनी भीड़ है।
सभी जगह बहुत भीड़ है, लेकिन मॉर्निंग में उससे भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी शाम को तो सब पूजन और अर्घ दे दे कर चले जाते हैं, लेकिन मॉर्निंग में तो रुकना पड़ता है इसलिए। और ये देखिए सूर्य अस्त होने वाले हैं, तो शाम के समय सूर्य अस्त का पूजन होता है। तो अब ये देखिए ये सभी छठ पूजन में सब नदी किनारे में खड़े हैं और अब हम लोग यहीं पर पूजन करेंगे। तो ये सब डलिया में से सूप वगैरह ये देखिए सजा दिया है हम लोगों ने, और अब इसके बाद हम लोग नहाएंगे नदी में। तो ये देखिए डुबकी लगाते हैं पांच बार, यहाँ पर भी पांच बार डुबकी लगा के नदी में, उसके बाद सूर्य को अर्घ देंगे जो कि हम प्रसाद लेकर आए हैं उससे सूप से सभी। तो ये मैं और मेरी दीरानी दोनों ही नहा रहे हैं और सभी नहाते हैं और पूजन करते हैं इसी प्रकार से हमारे यहाँ। तो अब हम लोग नहा चुके हैं पूजन करके, फिर ये किनारे आते हैं। तो ये फिर मेरी दीरानी है, वो हमें पान और फूल देती है हाथों में और सिंदूर लगा देती है, क्योंकि ये इस समय नदी में भी हम लोग सिर्फ खड़े होकर पूजन पहले कर लेंगे, उनको ध्यान करेंगे, तो इसीलिए ये हाथों में पान और फूल देते हैं और फिर सिंदूर करते हैं। और नाक पर से भी सिंदूर हमारे इधर करते हैं क्योंकि छठ पर्व में सभी लोग करते हैं, तो इसे सिरनरा कहते हैं। तो नाक पे से हर व्रती करता है, व्रती भी नहीं सभी लोग ही करते हैं। तो अब हम लोग करके फिर नदी में के अंदर ही जाके खड़े होके थोड़ी सी देर पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि अब सूर्य अस्त होने ही वाला है और अब यहाँ पर हम लोग पूजन कर रहे हैं। और उसके बाद ही ये सूप जो होता है वो सूप, ये देखिए सूर्य भी वो डूबने ही वाले हैं, पुल पर से दिखाई दे रहे हैं, सूर्य अस्त होने वाले हैं। और ये अस्त होते सूर्य की पूजन होती है शाम के समय, और सुबह में सूर्य उदय के समय पूजन होता है। तो यह भी सूर्य अस्त के समय का पूजन है। और नदी में इस बार बहुत ज़्यादा ही पानी था, इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था ना, तो इसलिए ज़्यादा अंदर हम लोग नहीं गए, किनारे पर ही थे, वहीं पर इतना पानी था बहुत ज़्यादा। और अब ये इसी प्रकार एक एक करके सूप मेरी दीरानी मुझे पकड़ाते जाएगी और हम उनको सूर्य देव को अर्घ्य देते जाएंगे और हटाते जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे सात सूप लगती हैं, तो सातों सूप को इसी प्रकार हम लोग पूजन करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। हम लोग वापस ट्रक पर आ चुके हैं और ये डाला भी आ गया है, और यहाँ पे पांच छह ट्रक खड़े थे, तो जो हमारा ट्रक है हम उस पर खड़े हो गए और ये सब डलिया रख देंगे। और आप लोग ये देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है नदी, जिसको जो गाड़ियाँ मिलती हैं ना उसी से आते हैं, ट्रैक्टर ट्रक बेलोरा सभी चीज़ें। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए और मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।